गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर टू इनसाइड आवर अर्थ। इसका देखो जो रॉक्स एंड मिनरल्स का जगह है वो आज डिस्कस करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट जगह है देखो रॉक्स एंड मिनरल्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह है। रॉक्स का डेफिनेशन से, टाइप्स है, ऑरिजिन ऑफ फॉर्मेशन है, एग्जाम्पल है, कौन सा रॉक्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो है, रॉक साइकिल है, यहाँ पर वेदरिंग किसको बोला जाता है वो भी है। देखो रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर और द अर्थ क्रस्ट। रॉक्स एंड मिनरल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो लिथोस्फीयर लेयर है, लेयर ऑफ लिथोस्फीयर, वहाँ पर उसका ऊपर अपर एरिया में रॉक्स एंड मिनरल्स का सेविंग होता है, उसका कॉन्स्ट्रक्ट होता है, उसका धीरे धीरे ग्रोथ होता है अपर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर में। रॉक्स आर फॉर्म व्हेन मिनरल्स पार्टिकल्स कलेक्ट्स टुगेदर इन ए सॉलिड मास। रॉक्स कहाँ पर फॉर्म किया जाता है देखो, जहाँ पर मिनरल्स जो है वो है एक सॉलिड मास है। रॉक्स आर फॉर्म व्हेन मिनरल्स पार्टिकल्स कलेक्ट्स टुगेदर इन सॉलिड मास। मिनरल्स जो है वो रॉक से उसका हार्डनेस ज़्यादा रहता है और रॉक्स का हार्डनेस कम रहता है। रॉक्स में भी हार्ड लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। रॉक में देखो कौन कौन सा रॉक हार्ड है, जैसे कि मार्बल है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन। सॉफ्ट लाइक क्ले और सॉफ्ट रॉक कौन सा है, क्ले है, सैंड है, चालक है, ये सब सॉफ्ट रॉक। रॉक डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, रॉक्स का कुछ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन नहीं है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ ए डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ रहा है मिनरल्स का, मिनरल्स किसको बोला जाता है, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग, इसका नेचुरली कॉन्स्ट्रक्ट होता है, नेचुरली ये सृष्टि होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, ऑर्गेनिक मतलब जीव जिसको बोला जाता है, लाइफ सिस्टम का किसी भी एक्टिविटीज जिसमें नहीं रहता है उसको इनऑर्गेनिक सिस्टम्स बोला जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ ए डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, जिसका एक पार्टिकुलरली बहुत ही ह्यूज टाइमिंग में केमिकली कंपोजिशन होता है, केमिकली उसका टाइम मतलब स्ट्रक्चर का लिए टाइमिंग पीरियड को डोनेट करना पड़ता है, तो उसी तरह से मिनरल्स का कंस्ट्रक्शन होता है। दे हैव डिफरेंट कलर, टेक्स्चर, हार्डनेस एंड साइन। मिनरल्स का अलग अलग कलर है, टेक्स्चर है, हार्डनेस है और साइन है। Some examples of minerals are bauxite, copper, gold, calcite and gypsum. Example को याद रखो, कौन कौन सा है important minerals? Bauxite है, copper है, gold है, calcite है और gypsum है। A rock in which a particular mineral is found in large percentage is called the ore of minerals. ज़्यादा से ज़्यादा ore type का minerals सबसे ज़्यादा मिलता है, जिसका construction में rock का helpness रहता है। देखो रॉक्स आर फॉर्म इन डिफरेंट वे, रॉक्स का भी कंस्ट्रक्शन जो है अलग अलग वे का वजह से, अलग अलग कारण का वजह से रॉक का कंस्ट्रक्शन होता है। दस दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिगार्ड टू देयर कंपोजिशन, कलर, टेक्सचर। इसका पीछे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है रॉक का कंस्ट्रक्ट का पीछे, जैसे कि उसका कंपोजिशन है, उसका कलर है, उसका टेक्सचर है, थिकनेस है, सब इसका पीछे कंस्ट्रक्शन का पीछे कॉम्पोनेंट्स है। अब मेन जगह देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का बेसिस में देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। फॉर्मेशन का बेसिस में रॉक को थ्री डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, कौन सा है वो क्या है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। नंबर वन इग्नियस रॉक, नंबर टू सेडिमेंटरी रॉक, नंबर थ्री मेटामॉर्फिक रॉक। सो व्हाट इज इग्नियस रॉक, द टर्म इग्नियस इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, इग्नियस जो है वो एक लैटिन वर्ड है, इग्निस मीन्स फायर, इग्निस मीन्स उसका अर्थ है फायर। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्टेन मटेरियल देन द कूल्स एंड द सॉलिडिफाइड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक एज ऑल अदर रॉक आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम देम। इसका मोल्टेन जो लाभा सुने हो तुम लोग ना, लाभा मैग्मा लाभा शांत होके उसका कोल्ड होके, मैग्मा लाभा कोल्ड होके इग्नियस रॉक का कंस्ट्रक्शन करता है, इसलिए इसको सबसे प्राचीन रॉक माना जाता है, सबसे एंशियंट टाइमिंग का रॉक है, सबसे प्राचीन रॉक है।
इसको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। ऑरिजिन ऑफ फॉर्मेशन, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंट वेरी हॉट मॉल्टेन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। अर्थ का इंटीरियर पार्ट में जो मैग्मा रहता है, व्हेन द मैग्मा रीच द अर्थ सरफेस थ्रू द थ्रो क्रैक एंड क्रेविस कॉल आर सॉलिडिफाइड बिलो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर्मिंग इग्नियस रॉक। दे आर टू टाइप्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो मैग्मा बाहर आके इग्नियस रॉक का कंस्ट्रक्शन करता है, इग्नियस रॉक बनाता है, ये क्लियर हुआ। देन उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जैसे कि दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन नेचर। ये इसका रॉक्स का टाइप कैसा है, हार्ड रॉक है। दे मेक अप लार्ज पार्सेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इग्नियस रॉक से अर्थ का सबसे लार्ज पार्सेंट एरिया बना है। दे आर प्राइमरीली गुड बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल जो बनाया जाता है बेसल्ट से, ब्लैक कलर का पत्थर से रोड बनाया जाता है, वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स है। एग्जाम्पल देखो, बेसल्ट, रिलाइट, एंडिसाइट, डोलेराइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, ये सब है एग्जाम्पल इग्नियस रॉक का। ये जो तुम्हारा बुक में जो फोटो दिया है, फर्स्ट का जो जगह इग्नियस रॉक है। उसके बाद नेक्स्ट सेडिमेंटरी रॉक, रॉक फ्रॉम द सेडिमेंट्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंटर द वाटर और ऑन लैंड आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक। अर्थ सरफेस में देखो, सेडिमेंट से जो रॉक्स का कंस्ट्रक्शन होता है उसको सेडिमेंटरी रॉक बोला जाता है। आइदर इन वाटर और ऑन लैंड आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक। जैसे जिसमें देखो, वाटर का लेयर है, लैंड का लेयर, जिसमें ये मिलता है वहाँ पर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक एज डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन द लेयर। डिपोजिशन मतलब बहुत ही टाइम से, बिलियंस और बिलियंस से आ रहा हो, ये डिपोज होके केमिकली रिएक्ट होके सेडिमेंटरी रॉक बनता है। द वेरियस देन द ऑरिजिन ऑफ फॉर्मेशन, द वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोशन कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन द इग्नियस रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इग्नियस रॉक से और भी लो है, मतलब इसका डेप्थ ने इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं रहता सेडिमेंटरी रॉक का। उसके बाद देखो मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फिसम, मेटामॉर्फिसिस। मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो मेटामॉर्फिसिस से आया है वो वर्ड, व्हिच मीन चेंज ऑफ फॉर्म, जिसका अर्थ है फॉर्म का चेंज, एक से एक फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज फॉर्मेशन होना। दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिसम और सेडिमेंटरी एंड इग्नियस रॉक इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, इग्नियस रॉक जो है उसका जो फॉर्मेशन, उसका चेंज होकर क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। इसका एग्जाम्पल है मार्बल है, स्लेट है, नीस है, मार्बल स्लेट जिसमें लिखते थे पहले, वो किसका है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल। इग्नियस है सेडिमेंटरी रॉक ब्रीफ डीप इनसाइड द अर्थ अंडरगो एक्सट्रीम द हीट एंड प्रेशर। इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक चेंज होके, फॉर्मेशन चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, इसका जगह को याद रखो। यही था आज का जगह, नेक्स्ट क्लास में मैं रॉक साइकिल का जगह डिस्कस करूँगा कि एक रॉक से कैसे अदर्स रॉक्स में ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन चेंज होता है। थैंक यू।